गर्ल्स पावर लेडीज जिम, जहां कार्डियो वेट मैनेजमेंट, फ्लोर एक्टिविटीज, स्ट्रेंथ और पर्सनल ट्रेनिंग, बेसिक डाइट एंड इंच कार्ड विथ एट्रैक्टिव पैकेज के साथ जिम ट्रेनिंग कोर्स पर 20% ऑफ, स्मार्ट ट्रेनिंग प्लान और फुल बॉडी चेकअप। साथ ही ब्यूटी पार्लर सर्विस और क्लास पर 30% ऑफ। फिटनेस एंड ब्यूटी लवर्स की पहचान है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। ज्वाइन गर्ल्स पावर, बी फिट बी फैबुलस। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान के कार्यालय पर आज मुफ्ती अशरफ को एनसीपी माइनॉरिटी सेल महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया है। कलवा मुमरा विधानसभा ऑफिस पर विधायक जितेंद्र आभाट ने मुफ्ती अशरफ को पद दिया और सम्मानित भी किया है। इस दौरान विधायक जितेंद्र आभाट ने पत्रकारों से कई मुद्दे पर बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सर, आज मुफ्ती अशरफ साहब को एनसीपी माइनॉरिटी सेल का महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, क्या उम्मीदें करेंगे आप उनसे? देखो, मुफ्ती अशरफ ये मेहनत करने वाला आदमी है, उसको दीन की मालूमात है और उसके तमाम उलमाओं से संबंध है। वो सिर्फ थाना तक सीमित उसको रखना, ये मेरे ख्याल से हमारा नुकसान था। मैंने कुछ ऐसे लोग चुने हैं कि जो मालेगांव जाएंगे, जो यवतमाल जाएंगे, जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ जाकर अपने ख्यालात पेश करेंगे, उनको बताएंगे सच क्या है, मुसलमानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। और मुसलमान एक तरफा वोट डालना चाहिए, ऐसा अपील करेंगे। और मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, जो छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, जो राजस्थान में होने जा रहा है, वैसा ही महाराष्ट्र में होगा। सर, माइनॉरिटीज के ऐसे कौन से इश्यूज है आपकी नजर में जो अगर हल हो जाए तो फिर उद्धार हो सकता है बेहतरीन तरीके से? देखो, बात अभी ऐसी है कि बात डेवलपमेंट की करनी ही नहीं है। मुझसे कोई पूछे कि आप मुमरा में अब डेवलपमेंट की बात करोगे क्या, तो मैं ना बोलूंगा, क्योंकि अब विचारधारा की लड़ाई है। अगर सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म रहा तो इस देश का नागरिक रहेगा, मतलब ना इंडिया की जो मजबूती है, भारत की जो मजबूती है, वो खत्म हो जाएगी। अगर सेक्युलर इंडिया नहीं रहा, नया जब पार्लियामेंट हाउस बनाया तो एक पर्ची बांटी गई जो संविधान का मूल है, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म ये शब्द गायब हो गए थे। भारत से अगर सेक्युलरिज्म गायब हो जाता है, ईशान्य भारत भारत के साथ नहीं रहेगा। कई ऐसे राज्य है जिनमें अल्पसंख्यकों की अगर गणना की जाए तो ज्यादा है, जैसा केरल है। अनेकताओं में एकता, यह है भारत की विशेषता। हम इधर सदियों से भाई भाई के जैसे रहे हैं, कुछ हादसे हुए हैं, उससे इनकार कोई नहीं करता है, लेकिन आज मुमरा जैसा शहर, पिछले 2 महीने में कितनी बार लोगों ने मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अकलियतों ने अपना दिमाग जगह पे रख के उनको जवाब नहीं दिया जो वो चाहते थे कि जवाब दे दे। अकलियतों ने दिमाग बिल्कुल शांत रख के जवाब नहीं दिया। हालांकि ये परमिशन कैसी मिली, किसने उनको जाने को दिया, ये सबको मालूम है कौन परमिशन करवाता है, कौन ये खेल खेल रहा है, ये सबको मालूम है। पर शांति रखना, अमन रखना, ये मेरा काम है, मेरा फर्ज है। पिछले 14 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ और जब तक मैं मुमरा में हूँ मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। सर, मुमरा शहर में पिछले कुछ महीनों से ट्रैफिक विभाग द्वारा कार्रवाइयाँ की जा रही है और शमीम खान साहब, उन्होंने भी काफी हेल्प किए, जामे काफी नहीं, ये उन्हीं की ही लीड ने ये काम करवाया है।
पुलिस भी अगर काम कर रही है तो सिर्फ शमीम खान ने वो करवाया है। उसने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की, उसने लोगों से बात की, उसने वो इंस्पेक्टर को, मैं अभी प्यार से बोलता हूँ, उसने डराया धमकाया और फिर ये काम हुआ है। और पुलिस भी अभी उनका साथ दे रही है और लोग भी उनके साथ हैं, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, हॉकर्स को अच्छा लग रहा है। हॉकर्स को मतलब मेरा को उनका फोन आया मेरे को कि साहब ये अच्छा हो रहा है, कि कोई गलत बात नहीं है। देखो ऐसा है कि ट्रैफिक अगर साफ होता है तो मुंब्रा से शील जाने के लिए हमको सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। हमने इतने बड़े रास्ते क्यों बनाए? हम कोई हॉकर्स के खिलाफ नहीं है, गरीब का भी पेट होता है और भरना चाहिए। सर आप हॉकर्स की बात कर रहे हैं, अभी एक हॉकर्स मार्केट बना रहे हैं हम, ये सब इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सब हॉकर्स हटा दिए जाएंगे। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि जगह पता ही नहीं है उनको। देखो उनको जो यहाँ पर बैठते थे रस्ते पर, पीले पट्टे के अंदर परमिशन दी गई थी उन लोगों को, आज पीले पट्टे के अंदर जो बैठे थे उनको भी उठाया जा रहा है। और यहाँ पर जो गुलाब मार्केट तक सीमित था, अब गुलाब मार्केट से लेके तुम शील तक मार्केट लगाओगे, ये ऐसा नहीं चलता है। पीला पट्टा किसी और कारण से है, पीला पट्टा ये हॉकर जोन नहीं है। उनका कहना है कि हमको पीले पट्टे के अंदर बैठने के, किसी ने भी कहा नहीं था। पीला पट्टा जो रस्ते पे मारा जाता है उसके अलग कारण है। और अगर मैं कहूं तो जरा उन हॉकर्स से बात कर लो, कितने हॉकर्स मुमरा कौसा के, वो जरा जानकारी ले लो। सर विरोधी का हमेशा एक निशाना रहा है कि आपने कहा था कि हैंगिंग मार्केट देगा, वो तकरीबन 2 साल हो गए। ऐसा है कि वो हैंगिंग मार्केट वर्कआउट नहीं हुआ, फिर बाद में कोरोना आ गया, कोरोना के कारण म्युनिसिपैलिटी के पास पैसा नहीं रहा, कितने काम फंस गए वो हमको मालूम है। मेरे ख्याल से काम देर एक साल में मिल जाएगा। ऐसा कुछ कुछ मुद्दे बराबर है, उनके भी बराबर है, लेकिन आप जब गाड़ी लेते हो तब ये भी ख्याल करो ना, मैं गाड़ी कहाँ लगाऊंगा, ये रास्ते गाड़ी लगाने के लिए तो नहीं बनाया ना लोगों ने, म्युनिसिपैलिटी ने जो भी वो खर्चा किया है वो गाड़ी लगाने के लिए नहीं बनाया। सर पार्किंग जोन की मांग है, ऐसा है कि तुम्हारे इलीगल बिल्डर्स ने पार्किंग खत्म किया, गार्डन्स खत्म किए, ऐसा कोई खुला प्लॉट नहीं जो खत्म करना नहीं चाहते। अब घासवाला के बाजू में गवर्नमेंट रिजर्वेशन है, वो घासवाला के लोगों का फोन आया था कि साहब इधर भी बिल्डर चक्री मार रहे, अगर उनके ऊपर कार्रवाई करो तो मुसलमानों के पेट के ऊपर जितेंद्र और लात मार रहा है। सर लेकिन गाड़ियां जब उठाई जा रही है तो लोगों का ये कहना है कहीं पे भी नो पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है। पार्किंग का बोर्ड लगा है क्या? पार्किंग का नहीं लगा तो पार्किंग का बोर्ड रहेगा तो ही पार्किंग कर, बाकी सब इलीगल पार्किंग ही है। तुम कल हाईवे पे पूछोगे यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया और हाईवे पे गाड़ी लगा दोगे तो, लेकिन वार्डन्स निशाना बन रहे हैं सर, कुछ असामाजिक तत्वों का वार्डन्स निशाना बन रहे हैं, सब हो जाएगा, पत्रकारों पे भी हमला कर रहे हैं, सब हो जाएगा, कोई बिल्कुल चिंता मत करो, सब शांति हो जाएगी। तुमको मुफ्ती साहब एनसीपी माइनॉरिटी सेल के आप इस वक्त महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी है, ऐसे कौन कौन से मसाइल को आप देखते हैं जिनको अगर सही किया जाए, जिन पर अगर सही तरीके से काम किया जाए तो माइनॉरिटीज का उद्धार होगा, माइनॉरिटीज की तरक्की होगी महाराष्ट्र में? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो सबसे बड़े मसला में देखता हूँ जो हमारे समाज को जो तरह से जो अच्छा है, एजुकेशन सच्चा कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जब इस देश के अंदर 100 ग्रेजुएशन बनते हैं तो उसमें से सिर्फ 31% ग्रेजुएट सिर्फ हमारे होते हैं, इसका मतलब हमारी आबादी से भी कम होती है। और जहाँ पर PhD 100 बनते हैं वहाँ पर सिर्फ एक PhD हमारा होता है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि एजुकेशन के अंदर हमारा समाज जो माइनॉरिटी है मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग आगे बढ़े, और कॉलेज के अंदर जो हमारी रिजर्व सीट है
5% जो एजुकेशन की जो रिजर्व सीट है हम इसको आगे बढ़ाएं ताकि ये रिजर्वेशन हमारा 15% तक जाए और हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्ल है और हमारे जो लोग हैं वो तालीम के अंदर आगे बढ़े। तालीम इंशाल्लाह आदिल भाई जिस दिन आएगी हम लोग हर चीज़ में आगे बढ़ जाएंगे। तालीम की बात करें एक डेढ़ महीने से मामला चल रहा है जो शिलगांव में, आप जानते ही होंगे शिलगांव, वहाँ पे जो म्यूनसिपालिटी स्कूल है वहाँ जो मुसलमान बच्चे हैं उनको जबर जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, औरतों को मुसलमान का खून गंदा ऐसी गालियाँ दी जा रही है, अभी तक इसमें एनसीपी आगे क्यों नहीं है? हम लोगों ने जो हमारे सीनियर साहब हैं वहाँ पे टाइगर ने, आपको मालूम है कि मैडम जो पहले सीनियर साहब तो चेंज हो गए, नए सीनियर साहब आए, हम लोगों ने उनसे बात की थी और उनका सीनियर साहब का कहना ऐसा था कि माहौल वातावरण खराब ना हो, आपस में दो समाज टकराव ना हो, हम कानून के थ्रू काम करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि आप FIR कब लॉन्च करेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ पीरियड हमको दीजिए हम FIR लॉन्च करेंगे। लेकिन सिर्फ NC की है उन्होंने, NC उन्होंने की है और हम प्रोसीजर के थ्रू जा रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि जो समाज के अंदर तनाव पैदा हो, बल्कि हमारी विचारधारा हमारी सोच ये है हर समाज के अंदर, मैम 5% लोग बेवकूफ़ हर समाज में रहते हैं, उस जिस लड़के ने उसने हरकत की उसने बेवकूफ़ी की और हम अपने मराठा जो भाई हमारे जो हमारे घर गणेश मुंडे साहब है जो कांवर है उनसे कांटेक्ट के अंदर है और इंशाल्लाह माहौल साजगार होगा और उस स्कूल के अंदर फिर से हमारे बच्चे इंशाल्लाह अमन शांति। पिछले एक महीने से बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जा रहे, डर का माहौल अभी भी बना हुआ है, तो कब वो मामला सॉल्व हो सकता है? अभी तो मैडम दिवाली की छुट्टी अभी स्टार्ट हुई है और हम लोगों ने वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका नाम भूल रहा हूँ, हमने उनसे कॉन्टेक्ट किया है, उन्होंने कहा कि हालात आहिस्ते आहिस्ते सब सुधार पर है और यकीनन दिवाली की छुट्टी के बाद आदिल भाई सब नॉर्मल हो जाएगा और बच्चे हमारी तालीम के अंदर वहाँ पर जाएंगे और एजुकेशन में नुकसान। मुफ्ती साहब एक बार फिर माइनॉरिटी की तरफ आते हैं कि माइनॉरिटी का मतलब सिर्फ मुस्लिम समझा जाता है, तो जैसे कि कहा जाए कि जो हमारे दूसरे दलित भाई हैं और दूसरी जो कैटेगरीज हैं तो वो भी काफ़ी परेशान हैं, उनको भी तरह तरह से निशाना बनाया जा रहा है, तो NCP माइनॉरिटी सेल ने क्या कुछ सोच रखा है कि इन इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए? देखो माइनॉरिटीज के अंदर हमारे मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हमारे हमारे दलित भाई हैं और हमारे जो ईसाई भाई है, जो ऑस्ट्रेलियन है, जैन है, इसके अंदर हर समाज के ऊपर कहीं ना कहीं जब से ये मोदी सरकार आई है ये हर समाज के ऊपर जुल्म कर रही है। अगर आप मणिपुर के हालात देखेंगे आदिल भाई तो सबसे ज़्यादा चर्च को आग लगाया गया, हालांकि UN के अंदर इसकी आवाज़ भी उठी और हम लोग जो हमारे कलवा के अंदर जो चर्च है हम उस फादर के साथ कांटेक्ट में हैं और हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे महाराष्ट्र लेवल के अंदर कि हमारी आवाज़ गूंगी, जो सरकार है उनके कानों तक पहुंचे और वो लोग इंसाफ करें, अगर सरकार इंसाफ नहीं करेगी तो इंशाल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखट। इस वक्त मराठा रिजर्वेशन को लेकर काफ़ी उथल पुथल मची हुई है पूरे राज्य में और ऐसा कोई जोश खरोश हमें नज़र नहीं आता मुस्लिम रिजर्वेशन का, बातें तो काफ़ी होती है संसद में और जगह जगह पर आवाज़ें ज़रूर उठाई जाती है असेंबली में लेकिन कोई हल निकल के नहीं आता, तो अब एक माइनॉरिटी शहर से आप जा रहे हैं जहाँ पे ये माना जाता है कि ताकत बड़ी है मुसलमानों की, तो इस हैसियत से क्या आपकी सोच है आगे चल के? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ हम लोग अपने मराठा जो हमारे भाई हैं जो पाटिल साहब जो आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ में और हमारा मराठा समाज जब भी निकलेगा रिजर्वेशन के लिए हमसे जो सकेगा हम इनका बिल्कुल साथ देंगे और हम उनके साथ साथ में हम ये भी मांगनी कर रहे हैं कि हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, हाईकोर्ट का ये निकाल है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो रिजर्वेशन का मुस्तहिक है वो मुस्लिम समाज है और हम लोग जैसे हमारा मराठा समाज का होगा और हमको ये उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी और हम मुस्लिम रिजर्वेशन को इंशाल्लाह यहाँ पर पास करा के रहेंगे। थैंक यू सर।